सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आखिरकार आप फैन किसके हो, हिमाचल वाले के या शिवानी भट्ट के, क्योंकि कभी आप वीडियोस बनाते हो शिवानी भट्ट के लिए, कभी बनाते हो हिमाचल वाले के लिए। तो पहले तो गाइज मैं ये क्लियर पक्का करूंगा कि मैं किसका फैन हूँ, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद आप सबका जो इन सब टॉपिक्स में इतना प्यार दे रहे हो और ये टॉपिक आप इतना हाईलाइट कर रहे हो, इसलिए मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ इसके ऊपर, वरना मैं नहीं बनाता। मैं सोच रहा था कि एक आधी वीडियो बना के छोड़ दूंगा, लेकिन अब यहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, किसी के बारे में नहीं बोलूंगा। जो भी था बोल दिया, जितना बोलना था, कितना किसी के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए, जितना था उतना बोल दिया। तो आप पूछ रहे थे, आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई आप फैन किसके हो, आखिरकार आपने इतनी वीडियोज बनाई कभी हिमाचल वाले के लिए, कभी हिमाचल वाली के लिए, तो आप किसके फैन हो। आखिरकार मैं बता देना चाहता हूँ गाइज, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक टाइम था जब उनकी दोनों की वीडियोस देखता था, जब वो दोनों साथ में थे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। जब उनका अलग अलग हो गया, अपनी अपनी उन्होंने रास्ते पकड़ लिए, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया उनको देखना, मैंने छोड़ दिया बिल्कुल भी। आप में से कई लोग भी उसके बाद शायद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको भाई अंदर से बोलते हैं ना चुल्ल है उन सब चीज़ों के। तभी तो अगर आप लोगों को उस टॉपिक में इतनी चुननी होती ना, तो मैं उस टॉपिक में भाई वीडियोज ही नहीं बनाता, सही बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने उस वाले टॉपिक को इतना हाईलाइट करा कि मुझे वीडियोस बनानी पड़ी। उसके बाद आप लोग ही आ गए, जो कई लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करा, कई लोगों ने मेरा साथ भी दिया, वो तो चलता रहता है। खैर, एक YouTube होता है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, तो आप कोई वीडियोस डालते हैं तो आपको उसका क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है और उसकी अप्रिसिएशन भी आपको लेनी पड़ती है, तो ये सब चलता रहता है। तो गाइस देखो, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात की थी जिस पे आपने प्यार दिया और मैंने उस टॉपिक पे दो चार वीडियो और बना दी, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोनों अपनी लाइफ में अपना आप सेपरेट हो गए, हमें कोई मतलब नहीं है, फैंस को कोई मतलब नहीं है। अभी भी कुछ फैंस हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उनके जो साथ में देखना चाहते हैं, उनकी शायद इच्छा ही रहेगी अब जो भी है, व्हाटएवर जो भी रीजन है। तो गाइस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मेरी लास्ट वीडियो है हिमाचल वाले और शिवानी भट्ट के लिए, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं शूट करूंगा। और इस वीडियो में मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा किसी के लिए, कौन सही है कौन गलत है वो अपनी जगह ठीक है। बाकी आप सब ने इतना प्यार दिया उसके लिए भाई धन्यवाद। आप में से कुछ लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया, उसके लिए भी धन्यवाद। आगे से मैं व्लॉग बनाऊंगा इसमें और कोई वीडियो उठा के डालूंगा इसमें, ना कि उन सब के लिए। एक टॉपिक खत्म हो गया, दी एंड। इससे ज़्यादा भाई मैं अब नहीं झेल सकता, बहुत सारा बहुत ज़्यादा हो गया। तो गाइस इस वाले टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे। बाकी जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, क्योंकि भाई ये भी तो जरूरी है ना, मुझे भी कुछ मोटिवेशन चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वाली वीडियोस में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। बाकी और भी क्वेश्चन हैं जिनके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतने ही। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।